नमस्कार मेरे साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आप ही के अपने फेवरेट यूट्यूब प्लेटफॉर्म सी यू एजुकेशन न्यूज़। तो भाई, SSC GD वाले बच्चों के लिए बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। आपका एक नोटिस है वो जारी किया गया है, जो अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर तो नहीं आया है, पर यहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। हमारे पास डिपार्टमेंट के थ्रू डायरेक्ट ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसके अंदर भाई स्टेट वाइज वैकेंसी बताई गई है। और ये स्टेट वाइज वैकेंसियाँ देखकर ये बात तो आपका कन्फर्म लग रहा है कि आपकी टॉप वो हाई जाने वाली है, और किस कारण से हाई जाने वाली है वो मैं आपको विद एंड प्रूफ आपको दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पर टोटल फॉर्म की भी बात करेंगे, कितने टोटल फॉर्म वो लगने वाले हैं, पूरी जानकारी SSC GD की आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो आपको SSC GD की पल पल की अपडेट चाहिए तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को भी शेयर करना है, क्योंकि आप वीडियो को अगर शेयर करोगे तो हमें भी बहुत खुशी होगी। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे आप कौन से राज्य से हैं, तो उस हिसाब से आपके राज्य की हम वो अलग अलग कैटेगरी वाइज है, या जिस फोर्स से आपने फॉर्म भरा है तो उस स्टेट का भी हम वैकेंसी बता देंगे। तो चलिए आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो जारी किया गया है, तो आप देख सकते हैं स्टेट एंड कैटेगरी वाइज डिटेल फॉर द वैकेंसी फॉर द आपका कॉन्स्टेबल GD मेल 2024। आपका जो नक्सल एरिया है और बॉर्डर एरिया को छोड़कर यहाँ पर ये बताया गया है। तो इसमें आप देख सकते हो किसी राज्य के अंदर कितनी वैकेंसी है, अपने राज्य में ज़रूर चेक कर लें। ये टेलीग्राम के अंदर मैं डाल दूंगा, फिर भी आपको मेन राज्य वो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपके पहले बात कर लेते हैं अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार। तो आप एक यहाँ पर अंत में आओगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा कि कितनी वैकेंसी है। तो यहाँ पर बात करते हैं आसाम की कितने नंबर पर है, 1, 2, 3, 4 नंबर पर आप इधर आओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4 यहाँ पर 1333 वैकेंसी हैं। तो यहाँ पर असम राइफल के अंदर भी भाई बॉर्डर एरिया है, फिर भी यहाँ पर 1333 वैकेंसी है। और फिर यहाँ पर बिहार के अंदर आपको 903 वैकेंसी है, तो भाई बिहार के अंदर कट ऑफ हाई अपने आप जाएगी, तो वैकेंसी इतनी कम है, ठीक है। उसके बाद मेन है वो राज्य बात कर लेते हैं, यहाँ पर दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा। हरियाणा की बात कर लेते हैं यहाँ पर, जिसके अंदर यहाँ पर कितनी वैकेंसियाँ बताई गई है। तो हरियाणा के अंदर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपकी जो हरियाणा के अंदर वैकेंसी है वो मात्र 221 वैकेंसी हैं, ठीक है। अब इतनी कम वैकेंसियाँ हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये कि आपकी कट ऑफ वो हाई जाएगी, आपका कुछ इसमें आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपके देख सकते हो 221 अगर वैकेंसी हरियाणा जैसे स्टेट के अंदर है तो यहाँ पर आपका कट ऑफ वो 100% हाई जाएगी, तो हरियाणा वाले बच्चे सोच लें। उसके बाद में बात करते हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र है, तो इसके अंदर भाई आपकी वैकेंसी मैं आपको बता देता हूँ, आप भी डिटेल नोटिफिकेशन वो चेक। उससे पहले बात कर लेते हैं SSC GD की न्यू बुक आ चुकी है, वो आ चुकी है चक्षु प्रकाशन की तरफ से, जिस बुक में आपको 2023 की जो SSC GD में यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो ये बुक आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। इस बुक में बता दूं आपको न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बुक को डिजाइन किया गया है, साथ ही में जो आपके नए क्वेश्चन आज के पैटर्न के आधार पर पूछे गए उन क्वेश्चन को यहाँ पर शामिल किया गया है। इसमें आपको 2800 बहुविकल्पिक प्रश्न, साथ में आपको 5 सॉलिड मॉडल पेपर मिलते हैं जो आपकी 2023 और 2021 के सही आपको मिल रहे हैं, ठीक है। इस बुक में आपको पूरा का पूरा आपको यहाँ पर डिटेल वाइज सिलेबस वगैरह सब कुछ इस बुक में दिया गया है। इस बुक का मैं अध्ययन करने के बाद ही आपको बता रहा हूँ, इस बुक में आपको देख लीजिए पूरा टॉपिक वाइज सिलेबस को इसमें अकॉर्डिंग आपको दिया गया। इस बुक का डिस्क्रिप्शन परचेज का लिंक दे रखा है दोस्तों। इस बुक में देख लीजिए एक आपकी स्टडी गाइड आती है और एक आपकी दोस्तों बता दूं यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेट आता है, उसमें आप दोनों बुक के कॉमन वो परचेज कर सकते हैं। इसमें स्टडी गाइड में आपको 3300 बेविकलक पर्सन मिलते हैं दोस्तों, कर सकते हो। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी अगर 1000 वैकेंसियाँ प्लस नहीं है ना तो आपकी कट ऑफ हाई जाने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आपकी असम में देख सकते हो आपको 1333 वैकेंसी आती, पर यहाँ पर आपके महाराष्ट्र इतना बड़ा राज्य है और मध्य प्रदेश भी इतना बड़ा राज्य है, तो इसमें आपको 633 997 वैकेंसी हैं, तो इतनी कम वैकेंसी ही यहाँ पर आपकी दिखाई गई। उसके बाद बात कर लेते हैं पंजाब और राजस्थान की, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो पंजाब व राजस्थान की मैं बता देता हूँ, तो यहाँ पर आपकी पंजाब और राजस्थान, अब ये एक देख सकते हो राजस्थान जैसे राज्य में अगर भाई सबसे डेवलपमेंट और शिक्षित राज्य राजस्थान है और कंपटीशन में सबसे ज़्यादा आगे राजस्थान वाले बच्चे रहते हैं, तो इसमें 594 वैकेंसियाँ कुछ मायने नहीं रखती है, तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंपटीशन रहने वाला है बच्चों के। भाई जो भी तैयारी कर रहा है तो वो अपनी सोच समझ के कर ले कि राजस्थान में 594 वैकेंसी और पंजाब के अंदर यहाँ पर 243 वैकेंसी है, इतनी कम वैकेंसियाँ रखी गई है, तो आपका कंपटीशन वो हाई।
ओबीसी रहने वाला है 100%। ठीक है, उसके बाद में बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा जनसंख्या वहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में कितनी वैकेंसियाँ, तो उत्तर प्रदेश में आपको मैं बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश में आपकी वैकेंसियाँ जो बताई गई है वो बताई गई है 1735। अब इतने बड़े राज्य के अंदर भी अगर 1735 वैकेंसियाँ रखी गई है तो वो आपकी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, 1735 वैकेंसियाँ हैं, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वहीं पर है और सबसे ज़्यादा फॉर्म भी यूपी है, राजस्थान है, इन्हीं से आपके लगते हैं। उसके बाद में बात लेते हैं, ये आपकी टोटल वैकेंसियां बताई गई है, तो इसमें जो अंत में आओगे तो यहां पर टोटल वैकेंसियां आपकी 13,000 आपकी 324 वैकेंसियां बताई गई है। तो आप इस नोटिफिकेशन में नीचे आते हो तो इसके अंदर आपकी कैटेगरी वाइज बताई गई है कि कौन सी आपकी जैसे एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल में कितनी वैकेंसी है, तो इतना बताएंगे तो हम यहाँ पर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं टेलीग्राम के अंदर डाल दूंगा, आप अपने राज्य का देख सकते हो और अपने कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हो आप कौन से राज्य से हैं, कौन सी कैटेगरी से हैं, तो मैं आपको सीटें बता दूंगा आपकी। यहाँ पर 10% जो आपकी सीटें वो अक्सर सर्विसमैन के लिए रखी गई है, तो ये आप देख सकते हो। आपका जो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आया है, पर जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपकी मेल कैंडिडेट के ऊपर बताई गई थी जिसके अंदर आपकी 23,000 आपकी 347 वैकेंसियाँ थी, पर यहाँ पर आप जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी भी स्टेट वाइड वैकेंसी बताई गई है, तो वो भी चेक कर लें, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इस प्रकार से अलग अलग स्टेट की बताएं तो यहाँ पर 2799 इसकी वैकेंसी है, तो टोटल आपकी 26,146 वैकेंसी यहां पर डिटेल के अंदर बताई गई है। ठीक है, तो ये हमने आपको जानकारी दे दी है। जो भी एसएससी जीडी की अपडेट आएगी आपका भाई आपके लिए अपडेट देगा और इस चैनल के माध्यम से भी आपको अपडेट दे दी जाएगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम साथियों।